अब आकुलता का भी लक्षण बता दो, तुम्हारे दिमाग में क्या है, सबके दिमाग में क्या है, ये जो ठेला चला रहा है ना, केला बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, तुम्हें क्या लगता है ये बहुत दुखी आदमी है। तुमने दुख का लक्षण क्या बना रखा है? संयोग, पैसे। तुमने दुख का लक्षण आकुलता नहीं बनाया, तुमने ये कभी नहीं बनाया कि दुख माने आकुलता, ऐसा तुमने सेट नहीं किया। हमने दुख का सेट क्या कर रखा है? जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया ये भला व्यक्ति है, समझ ना मेरी बात, अरे आप बैठे मुकेश जी हमारे, अब देखो आप अभी आपको समझ में नहीं आ गया सुखी है दुखी है, अभी सामने है वो व्यक्ति शांति से बैठा आपसे बात कर रहा, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा सुखी है। और जैसे ही मैंने कहा बहुत बड़ी पोस्ट पे है, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर इनके नीचे काम करते, कब तुम्हें आदमी सुखी दिखने लगा, जबकि तुम ये कभी नहीं पूछते कि तुम्हारे अंदर आकुलता कितनी है। असली लक्षण क्या है अरविंद जी? दुख का। तो अब देखो, अब आगे चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो जो सब्जी वाला है ना, उसकी आकुलता बहुत लिमिटेड है, क्योंकि 500 रुपए की सब्जी लाया, 500 रुपए की सब्जी बेचनी, बात खत्म, नहीं एक आध दिन बच गई, कोई आफत नहीं आ रही। अब आगे चलो, अब जो 50,000 रुपए दाव पे लगाता है उसकी आकुलता और ज़्यादा है, अब जो 10 लाख दाव पे लगाता है उसकी आकुलता और ज़्यादा है, जो 10 करोड़ दाव पे लगाता है उसकी आकुलता और ज़्यादा है। तो ऐसे जितने जितने व्यापार बढ़ता है आकुलता घटती नहीं है, बढ़ती है, लेकिन हमारी मान्यता ऐसी है कि जितना पैसा उतना सुख, उसका हमने ऐसा व्याप्ति संबंध बैठा रखा है। अब इससे ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मुकेश अंबानी का शेयर 10 रुपए नीचे गिरता है, अरबों रुपए का नुकसान बैठता है एक मिनट में, और 10 रुपए शेयर उठता है अरबों की फायदा होती है। अब जिसको अरबों का घाटा होता है अरबों की फायदा होती है, उसकी तारतम्यता देखो, अंदर आकुलता देखो, क्या सोचते हो तुम? जैसे अच्छे कपड़े दिखा के दिखाना चाहते हो, भी डायमंड पहन के दिखाना चाहते हो, कसाए तो वैसे ही है ना, जीप की जीप करे क्या, अभी जोड़ रहा है वो पागलों की तरह है, एक दिन पता क्या करेगा, अभी समाज में दान करेगा 10-20-50 लाख, क्या मैं दिखा दूं कि मैं कुछ हूँ? यही तो जीवन है, ये दिखाने का भाव कि मैं कुछ हूँ, ये अनंत आकुलता देता है। अधिकतर लोग इसलिए बहुत पैसा कमाना चाहते हैं कि वे अंत में दुनिया को ये दिखाना चाहते कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने कुछ जोड़ा है, और तो मेरी इज्जत करो, सीधी सी बात है। आप पावर क्यों चाहते हो बताओ, लाल बत्ती की गाड़ी क्यों चाहते हो? एक मित्र है मेरे, वो नेतागिरी में लगे हैं, यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि यार अपन जैन है और अपन को ये सब खां तुम चक्करों में? बोले भाई साहब आप एक बात नहीं जानते, बहुत पावर है। क्या बोलता है उसके मुँह से क्या निकलता है? बहुत पावर है। अब मैंने कहा उस पावर का जाय डालोगे, क्या पावर है क्या? अरे बहुत पावर, आप समझते नहीं, बहुत पावर है। अब जब है कि नहीं, क्लियर हो रहा ना, आपको समझ में आ रहा ना, आपका उत्तर दे रहा हूँ मैं तुम्हारा, ये रुचि वाला। तुम कहते रुचि कैसे पलटे, रुचि तो 2 मिनट में पलटती है, सुख बुद्धि टूटी नहीं कि रुचि पलटी नहीं, बोलो। अभी अरविंद जी को मुझसे बहुत प्रेम है उदाहरण के लिए, और अब मैं इनके खिलाफ़ बोल दूँ कुछ, इनके खिलाफ़ बोल दूँ, इनके प्रतिकूल बोल दूँ, कल से मेरे प्रति रुचि पलट जाए। अब रुचि पलटने में कितनी देर लगी? तुम कहते रुचि कैसे पलटेगी, रुपए पैसे मकान दुकान और सुख बुद्धि टूट जाए, रुचि पलट जाएगी अपने आप, खत्म, याद नहीं आएगी। याद तभी तक आ रही जब तक सुख दिख रहा है, सुख दिखना बंद हो जाए बात खत्म, क्या रखा तो? फिर तो सीधी सी बात है, रोटी की याद आई खाली, बात खत्म, मैंने भूख लगी खाली, बात खत्म। गृहस्थ जीवन है, घर में रह रहे हैं, कोई बात नहीं, रहना पड़ेगा, लेकिन रुचि सारी गाएगी, समर्पण भाव गाएगा आत्मा। जो भरत जी वाला वो कटोरे वाला उदाहरण मिलता है ना, कटोरा तेल वाला, वो कटोरा तेल कुछ रियल घटना नहीं है, काल्पनिक है, लेकिन वो इसलिए बताई गई है कि ऐसी रुचि थी आत्मा की,
कि 24 घंटे उनके श्रद्धान में आत्मा ही रहता था। और ये कोई कठिन काम नहीं है। जब हमारे 24 घंटे श्रद्धान में धन रह सकता है, पैसा रह सकता है, भले हम करें कुछ, तुम बैठे आओ, कुछ ही काहे की, श्रद्धान काहे का है, माल का है कि नहीं है? तो ऐसे ही वे भोगों में बैठे रहते थे, रुचि आत्मा की थी, क्या दिक्कत है? जब हम मंदिर में बैठे रह के विषय भोगों की रुचि रख सकते हैं, धन की रुचि रख सकते हैं, तो विषय भोगों के बीच में बैठ के आत्मा की रुचि कैसे नहीं रखी जा सकती? क्या कठिन काम है?